दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी शिमला या मनाली घूमने का प्लान तो जरूर बनाया होगा, पर कुछ लोग यह सोच कर रह जाते हैं वहां कैसे पहुंचे, कहां रुके, मतलब कि प्लानिंग कैसे करें। तो निश्चिंत होकर बैठें और वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम दिल्ली से शिमला कैसे और किन माध्यमों द्वारा पहुंचा जा सकता है, इस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बस के द्वारा शिमला कैसे पहुंचें। दिल्ली के कश्मीरी गेट से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। आप साधारण रोडवेज या लग्जरी में से कोई भी चुन सकते हैं। हो सके तो रात में सफर करें ताकि आप सुबह सुबह शिमला पहुंच जाएं और पूरे दिन आराम से घूम सके। आप चाहें तो विभिन्न प्रकार की बस एप्स का इस्तेमाल करके भी बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन द्वारा शिमला कैसे पहुंचा जा सकता है। वैसे तो दिल्ली से शिमला तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है, बल्कि कालका शिमला का सबसे करीबी मुख्य रेलवे स्टेशन है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली स्टेशन से कालका के लिए बहुत सी ट्रेन है, जैसे कि कालका मेल, कालका शताब्दी, हिमालयन क्वीन। पर आपको टिकट कुछ दिन पहले ही करानी होगी, क्योंकि ट्रेन की टिकट हाथों हाथ होना थोड़ा मुश्किल होता है। कालका पहुंचने के बाद या तो आप टैक्सी कर सकते हैं या कालका से शिमला तक चलने वाली टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं। बीच में पड़ने वाले नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अगर चाहें तो आप कालका से शिमला तक लोकल बस द्वारा भी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं हवाई मार्ग द्वारा शिमला कैसे पहुंचा जा सकता है। शिमला का अपना एक प्रमुख हवाई अड्डा है, यहां के लिए देश भर के प्रमुख शहरों से नियमित उड़ाने हैं। आप हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली से शिमला आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से शिमला जाना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे नंबर 1 के द्वारा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ केवल 246 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर चंडीगढ़ से नेशनल हाईवे नंबर 5 के द्वारा शिमला पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ शिमला की दूरी केवल 120 किलोमीटर है। दोस्तों अब बात करते हैं शिमला में ठहरने की। शिमला में यूं तो कई बड़े और अच्छे होटल हैं, परंतु आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी अच्छा होटल बुक कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना होटल पहले ही बुक करके जाएं, ताकि वहां आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि शिमला में देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिस कारण पीक सीजन में होटल फुल रहते हैं और टैरिफ काफी बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें।